फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ, आपके बीच में आपकी फेवरेट टॉपिक यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए अगर सबसे बड़ा टूल जो हम मान के चलें तो दैट इज विजुअलाइजेशन। अगर हम क्लियरली अपने चाहत को, ड्रीम को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, तो हम उसे हासिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन में सक्सेस हो या फिर स्पोर्ट्स में कोई टारगेट हासिल करना हो, या फिर आपको पैसा, वेल्थ चाहिए, प्यार चाहिए, रिलेशनशिप्स चाहिए, कुछ भी हो, अगर हम उसे ढंग से विजुअलाइज कर पाते हैं तो हम उसे हासिल भी कर पाते हैं। बट विजुअलाइजेशन को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैम, ये विजुअलाइजेशन फर्स्ट पर्सन में करना चाहिए या थर्ड पर्सन में करना चाहिए, हमें फाइनल आउटकम को विजुअलाइज करना चाहिए या पूरा प्रोसेस उसे हासिल करने का हमें विजुअलाइज करना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जिनको लेकर के आज मैं आपके सामने आई हूँ उनको क्लियर करने के लिए, कि विजुअलाइजेशन में एक्चुअली आपको क्या चाहिए, कैसा होना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहें। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे रेगुलर वीडियोस, प्रीमियर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसमें हमें किन खास चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नंबर वन पॉइंट, कि आपका जो फाइनल आउटकम है दैट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं ना, वो होना चाहिए आपका फाइनल आउटकम। उसके जितनी माइन्यूटेस्ट डिटेल्स आप हासिल कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, उतनी माइन्यूटेस्ट डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स आपके फाइनल आउटकम की आपके पास होंगी, उतना ही क्लियर विजुअलाइजेशन होगा और उतनी ही फास्ट आपका मैनिफेस्टेशन होगा। जैसे कि दोस्तों, अगर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं और आप बहुत सारी चीज़ों को क्रॉस करते रहेंगे, अगर आपने 1000 किलोमीटर का कोई ट्रैवल किया थ्रू अ ट्रेन और अ बस, तो आप रास्ते में पेड़, पौधे, जंगल, बगीचे, लैम्प पोस्ट्स, कुछ तारों के झुंड, कुछ जानवर, कुछ भेड़ बकरियाँ, बहुत सारी कुछ बिल्डिंग्स, कुछ शहर, कुछ कस्बों से गुजरेंगे और फाइनली आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। आपसे 2 दिन बाद भी पूछा जाए कि आपने रास्ते भर में क्या क्या देखा, तो आपको फाइनल डेस्टिनेशन के अलावा हार्डली एक आध सीन याद रहेगा। मैक्सिमम चीज़ें आपके दिमाग से डिलीट हो चुकी होंगी, बिकॉज हमारे दिमाग की यह आदत है कि सिर्फ काम की चीज़ों को, जिस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, वही चीज़ें याद रहती हैं, अननेसेसरी चीज़ों को वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है, बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं करता है। तो विजुअलाइजेशन में भी वैसे ही, जब तक आप उस पर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, जितनी माइन्यूटेस्ट डिटेल्स उसकी नोट करेंगे, जितनी ज़्यादा उसकी जानकारी हासिल करेंगे, जितनी बार रिपीट करेंगे, तो दिमाग के अंदर वो डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाएगा और उसे हटाना मुश्किल है, वो आपके सबकॉन्शियस तक में घुस जाएगा। जब ऐसा होगा तो आपका विजुअलाइजेशन बहुत फास्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप बहुत अमीर बने, बहुत वेल्दी हो जाएं, तो ये बड़ा वेग सा हो गया कि आप बहुत अमीर बने, बहुत वेल्दी हो जाएं। इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स आप बताइए कि आपके पास इतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, इतना आपके वॉलेट में भी रहना चाहिए, कुछ अलमीरा में भी होना चाहिए, आपकी घड़ी ऐसी होनी चाहिए, इस ब्रांड की होनी चाहिए, आपकी कार इस ब्रांड की होनी चाहिए, आपके पास ज्वेलरी ऐसी होनी चाहिए, आपके कपड़े इस ब्रांड्स के होने चाहिए। बिल्कुल माइन्यूटेस्ट डिटेल्स सोचिए और फिर विजुअलाइज भी कीजिए उन चीज़ों को, तो आपकी एग्जैक्ट डिटेल्स यूनिवर्स के पास जा रही हैं, आपकी विजुअलाइजेशन बहुत क्लियर होती जा रही है और इस वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। जैसे लोग ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट करते हैं कि मेरा बड़ा सा बंगला हो जाए और तरह तरह के रैंडम बंगलों को विजुअलाइज करते हैं, उसकी बजाय आप बंगले की माइन्यूटेस्ट डिटेल्स में जाइए, कौन से बिल्डर का होगा, कौन सी लोकेलिटी में होगा, प्लॉट साइज कितना बड़ा होगा, बंगले का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसकी एलिवेशन कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर कमरे कितने होंगे, उन कमरों के कॉर्नर्स कैसे होंगे, उन कमरों में कर्टन्स कैसे लगे होंगे, फर्नीचर किस टाइप का लगा होगा। तो जितनी ज़्यादा माइन्यूटेस्ट डिटेल्स में आप जाएंगे, उतनी ही अच्छी आपकी विजुअलाइजेशन होगी
और उतनी ही फास्ट आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। नंबर टू पॉइंट दोस्तों, राइटिंग। बिकॉज जब हम कुछ भी रिपीट करते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठता है, हमारे ब्रेन सेल्स जो हैं एक्टिव हो जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स जो है ना वो बहुत फास्ट काम करने लगते हैं। जब हमें अपना अल्टीमेट गोल भी मालूम है, हम रिपीट भी कर रहे हैं, तो जो हमारे न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स हैं उनके पास मैसेजेस जा रहे हैं कि उनको फटाफट से अब उस गोल को अचीव करने के लिए काम करना स्टार्ट कर देना है, जिसकी डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स इस तरह की हैं। तो जब हम लिखते हैं ना, तो ये रिपीटिशन होता है, और लिखते वक्त हम हर बार सोचते हैं। सोचने से क्या होगा कि आपने पहले तो खुद विजुअलाइज किया, उसके बाद आप लिख रहे हैं, तो लिखने से आपका फोकस और बढ़ जाता है, लिखने में भी जा रहा है और प्लस आप लिखते वक्त वो हर चीज़ विजुअलाइज कर पा रहे हैं, तो उससे भी आपका फोकस बढ़ रहा है। तो जब भी आप अपना लिख लिख के विजुअलाइजेशन करेंगे तो और फास्टर होगा। एंड नंबर थ्री दोस्तों, कि जब आपको इसको और भी फास्ट करना है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारी ब्रेन सेल्स हैं एक्टिव होती हैं लिखने पे, ऑडियो पे और विजुअल्स पे। तो विजुअल्स हम विजुअलाइजेशन के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन ये विजुअलाइजेशन और बढ़िया कैसे हो सकता है? सपोज कीजिए आपको कुछ भी चाहिए, तो आप बोल के उसे रिकॉर्ड कर लीजिए। कहते हैं मेडिटेशन में हमारा फोकस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, गाइडेड मेडिटेशन जो होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी इस तरह की गाइडेड मेडिटेशन पे कोई वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस गाइडेड मेडिटेशन आल्सो। तो जिस वक्त आप मेडिटेशन करते हैं, आप वो ऑडियो अपने कान में लगा लीजिए, जब आप ही की आवाज़ में आप ही खुद को बता रहे हैं कि आपको कैसा बंगला चाहिए, किस तरह का स्ट्रक्चर, किस तरह का एलिवेशन, कौन सी लोकेलिटी, और आपके मेडिटेशन के वक्त पूरा फोकस आपके उस बंगले पे है, आप विजुलाइज कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपनी ही ऑडियो सुन रहे हैं उस वक्त। तो ये जो विजुलाइजेशन है, ये बहुत फास्ट काम करेगा, आपकी विजुलाइजेशन को कहीं गुना ज़्यादा बढ़ा देगा और आप चीज़ों को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अब बात आती है दोस्तों कि हमें फर्स्ट पर्सन में करना चाहिए या थर्ड पर्सन में। तो इसका दोस्तों जवाब है कि हमारा जो ब्रेन है, जिस तरह से काम करता है, उसके अलग अलग सेक्शंस हैं, जो कुछ आपके कुछ हिस्सों को स्टोर करते हैं, कुछ किसी तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, बाकी जो कंपार्टमेंट्स हैं दूसरे तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो जब आप दोनों ही तरीकों से ये करेंगे कि एक तो आप खुद को बता रहे हैं कि इस तरह का है, आप सोच रहे हैं, वो घर को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, और दूसरा है थर्ड पर्सन की तरह आप एक फिल्म देख रहे हैं जहाँ पे एक बड़ा सा बंगला है और उस फिल्म के हीरो आप हैं या हीरोइन आप हैं, और आप उस बंगले में जा रहे हैं, आप मालिक की तरह उस बंगले में रह रहे हैं और आप पूरी मूवी देख पा रहे हैं। तो जब आप दोनों ही तरीकों से इसको विजुलाइज करेंगे तो आपका मैक्सिमम इफेक्ट आएगा, एक खुद को बता के और खुद को जब आप कन्विंस कर रहे हैं तो आप अपने दिल को मजबूत कर रहे हैं, आप अपने दिल को समझा रहे हैं कि ये तो होगा ही होगा। और जब आप एज अ थर्ड पर्सन विजुअलाइज कर रहे हैं खुद को एक फिल्म का हीरो या हीरोइन बना के और वो पूरी मूवी सामने देख रहे हैं, तो आप अपने ब्रेन में मैसेजेस पहुंचा रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस में बात परमानेंटली बैठा रहे हैं कि ये तो सच्चाई है, ये तो दिख रही है सामने। तो जब दिल और दिमाग दोनों एक साथ एक लेवल में आ जाते हैं, एक सीक्वेंस में आ जाते हैं, आपस में उनकी एक कोलैबोरेशन बन जाती है, तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है और ज़्यादा फास्टर हो जाता है। तो आप ये चिंता मत कीजिए कि फर्स्ट पर्सन में करना है या थर्ड पर्सन में करना है, आप दोनों में कीजिए और आपका मैनिफेस्टेशन और भी फास्टर होगा। अब बात करते हैं कि जो आखिरी सवाल था विजुअलाइजेशन से रिलेटेड, कि फाइनल आउटकम विजुअलाइज करें या फिर पूरे प्रोसेस को। तो दोस्तों फाइनल आउटकम जब आप विजुअलाइज करते हैं, सपोज कीजिए कि आप 90% मार्क्स विजुअलाइज कर रहे हैं अपने आने वाले एग्जाम्स में, तो आप एक रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं, उस रिपोर्ट कार्ड में ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, उसमें हर सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं, 90% मार्क्स दिख रहे हैं, और आप बार बार इस चीज़ को रिपीटेड वे में विजुलाइज कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, ऑडियो भी सुन रहे हैं, कि आप स्टेज पे जा रहे हैं, लोग आपके लिए क्लैप कर रहे हैं बिकॉज आपने स्कूल में टॉप किया है। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है आपके मन में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाए और आप तैयारी की तरफ उतना ध्यान ना दे पाए उस एग्ज़ाम की।
लेकिन जब आप पूरे प्रोसेस को विजुअलाइज करेंगे, खुद को विजुअलाइज करेंगे कि आप 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई करने में आपको कितनी थकान हो रही है, कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ा है, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से चैप्टर में, कौन सा एक इशू है जो थोड़ा अटक रहा है, उसको आप रिपीटेडली तैयार भी कर रहे हैं, आपके ब्लॉक्स क्या आ रहे हैं रास्ते में, स्ट्रगल्स क्या आ रहे हैं, और फाइनली आप उस आउटकम पे वो सारे स्ट्रगल्स को पार करते हुए पहुंच रहे हैं और आपके अल्टीमेटली 90% से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, लोग आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, आपको अप्लॉड कर रहे हैं फॉर स्कोरिंग सच गुड मार्क्स। तो इसमें क्या होगा कि जब आप पूरा प्रोसेस विजुअलाइज कर रहे हैं, तो फाइनली जब आपको वो रिजल्ट लेने के लिए आपका दिमाग तैयारी करेगा, वो 90% से ऊपर स्कोर करने के लिए जब आपका दिमाग तैयारी कर रहा होगा, तो जो उस तैयारी में रास्ते में स्ट्रगल्स आएंगे उसमें आपको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आप वो ऑलरेडी विजुअलाइज कर चुके होंगे और आपको तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि आप जानते होंगे कि स्ट्रगल के बाद ही वो आउटकम मिलने वाला है। तो दिस विल बी मोर फ्रूटफुल प्रोसेस और ये ज़्यादा इफेक्टिव प्रोसेस होगा कि आप पूरे के पूरे प्रोसेस को विजुअलाइज करें। ठीक इसी तरह जब आप घर लेने वाले हैं और आप ठीक वहाँ से विजुलाइज करते हैं कि आप उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में जा रहे हैं, वहाँ के बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स से इस तरह की प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहे हैं, आपको कोई एक प्रॉपर्टी डीलर इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज दिखा भी रहा है, आप हर प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, फिर आप रेट्स का नेगोशिएशन करते हैं, फिर वो फंड्स कैसे अरेंज हो रहे हैं वो भी आप सब विजुलाइज कर रहे हैं कि आपको कहीं से बैंक लोन आ गया, कहीं से कोई लीगेसी आ गई, कहीं से कोई लॉटरी लग गई, व्हाटएवर। आप सब कुछ जब विजुलाइज करते हैं तो आपको बहुत सारे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटीज़ अपने विजुलाइजेशन में ऑलरेडी मिल जाती हैं, शायद यूनिवर्स आपको सिग्नल्स देता है कि इस तरह से आपको तैयारी करनी है फाइनल आउटकम पे पहुंचने के लिए। तो प्रोसेस को विजुलाइज करना हमेशा ज़्यादा इफेक्टिव होता है देन विजुलाइजिंग जस्ट द आउटकम। जिस तरह से आप, अगर आपने मिल्खा सिंह जो हमारे लेजेंड एथलीट थे, आपने उनकी मूवी देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि जब भी वो रेस के लिए खड़े होते हैं तो वो अपनी आंखों से, अपने थॉट से पूरे ट्रैक को नाप देते हैं और वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पूरे ट्रैक को एकदम लास्ट मोमेंट तक नाप के और फाइनल आउटकम देखते हैं कि वो रोप ब्रेक कर रहे हैं एंड ही इज द विनर। और हर बार वो जब इस तरह का विजुअलाइजेशन करते हैं, हर बार जीत उन्हीं की होती है। तो ठीक इसी तरह आपको सिर्फ विनर खुद को विजुअलाइज नहीं करना है, आपको पूरे ट्रैक को नाप लेना है, तो रास्ते में कोई भी हर्डल, कोई भी तकलीफ आ नहीं सकती, क्योंकि पूरा ट्रैक आपका देखा हुआ है। जिस तरह से कहीं आप घूमने जा रहे हैं और आपको रास्ता नहीं पता है, आप ढूंढते हुए पूछते हुए जा रहे हैं, ऑल्दो आपको मालूम है कि आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है, लेकिन आपको ज़्यादा समय लगेगा उस डेस्टिनेशन में पहुँचने में। लेकिन जब आपने पूरा का पूरा रास्ता जान लिया है, विजुलाइज कर लिया है, नाप लिया है, उसका मैप देख लिया है, तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे अपने उसी डेस्टिनेशन पे। तो इट्स बेटर टू विजुलाइज द होल प्रोसेस टू रीच फास्टर एट योर डेस्टिनेशन। तो ये था आज का वीडियो विजुलाइजेशन को लेकर के, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर मेंशन कीजिएगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ बखैर।